हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज मैं दिखाऊंगा आपको अयोध्या का दीपोत्सव 2023, जहां पर आपको पता है कि जनवरी में इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर का। और जो भव्य मंदिर है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो बहुत जोर शोर से चल रही है। उसी के साथ दीपोत्सव 2023 यहाँ पर मनाया जा रहा है और 21 लाख दियों के साथ यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था उसी को खुद ये तोड़ने वाले हैं। और अयोध्या में इसको लेकर बहुत ही उत्साहित हैं लोग। तो चलिए चलते हैं अयोध्या और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का दीपोत्सव, जो राम की पैड़ी से लेकर 51 घाटों को यहाँ पर सजाया गया है। और देखते हैं यहाँ पर कैसा माहौल है और कितने खुश हैं लोग यहाँ पर। दोस्तों, इस बार का दीपोत्सव बहुत ही खास है, क्योंकि सरयू नदी के 51 घाटों पर 21 लाख से ज़्यादा दीपक जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 51 घाटों को सजाने की तैयारी 6 तारीख से यहाँ शुरू की गई थी, और जो लोग यहाँ पर दिया लगाना चाहते थे, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक ऐप लॉन्च की है, होली अयोध्या ऐप करके, और उसके थ्रू आप यहाँ पर अपना जो दिया है वो बुक कर सकते हैं और यहाँ पर वो लगाया जाएगा। उसके बाद वो आपको यहाँ से पार्सल कर दिया जाएगा ताकि आप उसको वहाँ पर रख सकें। इस बार के दीपोत्सव को लेके लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इसी के साथ काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इसमें भाग भी लिया, और वॉलंटियर को यहाँ पर एक वाइट कलर की टी शर्ट भी दी गई, और 25,000 से ज़्यादा वॉलंटियर आप यहाँ पर देख सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए गिनती के समय दिए 21 लाख से ज़्यादा हों, इसलिए वहाँ पर 24 लाख दिए जलाए गए। और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए राम की पैड़ी पर 5 से 15 मिनट तक ये दिए जलने चाहिए कंटिन्यू। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 40 मिलीलीटर आकार के मिट्टी के दियों को यहाँ पर मंगवाया गया। दोस्तों, अब की बार ये दीपोत्सव बहुत ही खास है, क्योंकि अब की बार जो अयोध्या का जो मंदिर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया दिया लगाने में, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक पल है जो लोग यहाँ पर जीना चाहते हैं। और दोस्तों, एक खास चीज़ और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि 200 फीट लंबी LED स्क्रीन पर आप यहाँ पर लाइट और साउंड शो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो लाइट एंड साउंड शो होता है बहुत ही सुंदर होता है और काफ़ी भीड़ होती है इसको देखने के लिए, और इसको लाइव देखना अपने आप में ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है। इस लाइट एंड साउंड शो को आप भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने बताया था कि होली अयोध्या ऐप के थ्रू आप भी यहाँ पर दिया जला सकते हैं, और उसके बाद वो दिया आपको प्रसाद के साथ आपके घर पर भिजवा दिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप घर बैठे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले राम नगरी अयोध्या रोशन हो चुकी है, और यहाँ पर जो काम है राम मंदिर का वो भी आखिरी चरण में है। और बताया जा रहा है कि लगभग 70,000 टूरिस्ट यहाँ पर डेली रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो आप भी टाइम निकाल के एक बार अयोध्या जरूर आएँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो 3 फ्लोर का मंदिर होने वाला है और 392 पिलर इसमें टोटल होंगे। और वहीं पर बताया जाता है कि जो इसमें लाइटिंग होगी वो कुछ ऐसी होगी कि रात में और दिन में ये मंदिर आपको एक जैसा ही दिखेगा। तो दोस्तों, मैंने दिखाया आपको अयोध्या का दीपोत्सव और बहुत खूबसूरत यहाँ पर राम की पैड़ी और जो घाट है वो बनाए गए हैं। लोग काफी उत्साहित हैं और जनवरी में जो इनोग्रेशन होने वाला है यहाँ पर हजारों की संख्या में काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आप भी आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल लगा यहाँ पर। लेजर शो, साउंड शो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। अयोध्या की जो पूरी तस्वीर है वो पूरी बदल गई है। जैसा पहले कहा गया था कि जब राम जी वापस आए थे तो पूरी अयोध्या को दियों से एकदम दिवाली की तरह सजा दिया था, बहुत अच्छा माहौल था। तो उसी तरह की जो फील है यहाँ पर हमें आई, और जो विश्व रिकॉर्ड है वो भी बना यहाँ पर। 21 लाख दिए हमने देखे और बहुत अच्छा लगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी किसी नई वीडियो में फिर लेके चलूंगा आपको। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।